नमस्कार दोस्तों, जैसे हम बातें कर ही रहे हैं अपनी खेती, अपने बीज मेहनत की, कि किसान जो है वो निर्भर हो गया है बीजों के लिए, चाहे कंपनियां हो, डिपार्टमेंट हो या यूनिवर्सिटियां हो, कि वहीं से उनको लगता है कि जो बीज है वो अच्छा बीज वहीं से मिल पाएगा, वो खुद तैयार नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ पिछले करीबन 60 साल से हुआ है। उससे पहले तो किसान अपने ही बीज रखते थे। तो मक्की जो है, हम कई बार देसी की जैसे बात करते हैं, तो मक्की भारत की मूल फसल है ही नहीं है। ये मैक्सिको या जो अमेरिका है वहाँ की ये फसल है। तो सबको पता ही है कि 16वीं शताब्दी में जो कोलंबस वहाँ पे गया, वो तो भारत की खोज में, मसाले की खोज में निकला था। तो वो लैटिन अमेरिका पहुंचा, वहाँ से यूरोपियन लोग, उन्होंने कब्जा किया वहाँ पे। तो वहाँ मक्की जो होती थी, फिर वहाँ से निकल के जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया तो वहाँ तक वो लेके गए इसको। तो पूरी दुनिया में जो मक्की फैल चुकी है, ये कई कामों में आती है। दाने जो है इंसान भी खा रहे हैं, पशुओं को भी डेरीज में दिया जाता है, फीड बनती है, और इसकी चारा भी जो है, जो इसका स्टेम है, तना है, पंजाबी में टांडे बोल देते हैं, तो ये सब इस्तेमाल में होता है। तो शुरू में तो वो देसी ही सारी किस्में थी। तो यहाँ हमारे जो प्रचलित हैं वो ज़्यादातर हल्के पीले रंग की, गहरे पीले रंग की होती है, संतरी के आसपास। लेकिन मक्की के बहुत अलग अलग रंग होते हैं, काली, नीली, लाल। कुदरत ने ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि सिर्फ वो पीले रंग की मक्की ही या थोड़ी सी संतरी रंग की मक्की ही मक्की होती है। तो इसका भी जो किसानों का देसी बीज से विश्वास उठ गया है कि वो कंपनियों के हाइब्रिड आएंगे, वही बहुत ज़्यादा पैदावार देंगे, और वो पैदावार देते हैं उसमें क्या क्वालिटी आती है वो तो ICR ने अभी कुछ रिपोर्टें जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बता ही दिया है कि हरी क्रांति में हाई यील्डिंग वैराइटीज़ जो सारा है, वो न्यूट्रिशन उसमें कितना मिल रहा है। तो ये सारी आप जानकारियाँ इंटरनेट पे उपलब्ध है, ले सकते हैं। अपने यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कोई एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट हैं, NGOs काम कर रही हैं, उनके पास भरपूर जानकारी होती है। तो आज हम थोड़ा बात करेंगे कि मक्की जो होती है उसमें पोलिनेशन कैसे होता है, क्योंकि हर फसल में पोलिनेशन होता है। तो यहाँ ये दो लाइनें, क्योंकि यहाँ तो कोई इतनी मक्की तो नहीं हो सकती कि मेरी कोई ज़रूरत ऐसी को पूरी हो जाए। ये सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए, और अगर कुछ दाने मिल जाएँ, गलहरियाँ जहाँ पे खूब घूमती हैं, आप पंछियों की इधर आवाज़ सुन सकते हो, तो पूरा जंगल टाइप है इधर। तो पिछली बार भी गलहरियों ने नहीं छोड़ी थी। तो इस बार यहाँ पे दो किस्में लगाई हैं। एक तो जो इधर राइट साइड में है, ये वाइट है, ये अन्नदाना सॉयल एंड सीड से और बेंगलोर से इसके बीज लिए थे। और इस साइड में जो है ये रेड है। तो कुछ पौधे मर गए थे, काफ़ी रेतली मिट्टी है, पानी अगर नहीं लगता तो मर जाते हैं। तो दोबारा से भी बिजाई की थी, इसलिए ये थोड़े छोटे पौधे रह गए। तो अभी इस पे जो है पोलिनेशन की बात करेंगे। तो इसमें भी दो तरह के जो फ्लावर आते हैं, तो ये एक फ्लावर है जो बिल्कुल इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये पौधा बढ़ता जाता है, ये भी गन्ने की तरह से इसकी पोरियां बनती हैं, आगे चलता जाता है, बीच में से निकलता जाता है। तो घास जाति का ही है ये भी, जैसे गेहूँ है या और है, लेकिन इसमें एक ही निकलता है ये। तो ये मेल पार्ट है, और यहाँ ये जो कॉब बनता है, हिंदी में भुट्टा बोल देते हैं, पंजाबी में छल्ली बोल देते हैं,
तो ये जो है यहाँ पे नीचे बनता है, तो ये बाल जो निकलेंगे इनमें से ग्रेविटी से जो है वो परागकण इसमें गिरेंगे। तो कुदरत ने इसका सिस्टम बना रखा है कि इसका पोलिनेशन ऐसे करेंगे, होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले बिल्कुल यहाँ पे पोलन निकल रहा है इसमें से, कि ये जो ये पोलन है, तो यहाँ भी ऐसे ही इनमें थोड़ा थोड़ा बन रहा है, ये दाने टाइप दिख रहे हैं, तो ये उसके बाहर निकलेगा पोलन। तो ये पोलन जो है ये इसके ऊपर डलेगा, होते ही कांड ही हो गया। तो ऐसे इसकी जो है वो पोलिनेशन कुदरती तौर पे होती है। प्रॉपर प्रोसेस जो होता है उसके लिए आप अपने यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से बात कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स से बात कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो पोलिनेशन होता है तो क्रॉस पोलिनेशन का ख़तरा जो है वो बना रहता है। तो यहाँ देखिए आप कि करीबन 3 फीट के फासले पे दोनों हैं जो किस्में लगी हुई हैं, तो इनको कैसे क्रॉस पोलिनेशन से बचाया जा सकता है। अभी देखिए कि कितना ये हल्का है, मेरे हाथ से हाथ लगाने से ये नीचे गिर जा रहा है। तो अगर हवा आएगी तो हवा यहाँ से निकल के दूसरे जो है साइड में चली जाएगी इसका पोलन जोड़ के, तो उस साइड का जो पोलन है वो कभी हाइट पे होता है तो इधर आ सकता है। तो दोनों जो है लाल और सफ़ेद जो है आपस में इनकी वो क्रॉसिंग हो सकती है। तो ऐसे बचाने के लिए इसको क्या, क्योंकि ये देखो ये बहुत ज़्यादा हवा में उड़ के बहुत दूर तक तो जाएगा नहीं, तो इसको साइडों में, जैसे मान लो ये मैंने लगाया, क्योंकि यहाँ तो जगह बगीचे में इतनी नहीं होती है, तो यहाँ आप जिस खेत में आप बीज पैदा कर रहे हो उसके चारों ओर तो ऐसी फसल लगाओ जो मक्की से भी बहुत ऊंची हो, जिसमें आपका बाजरा है या ज्वार है, जहाँ पंजाबी में चरी भी बोल देते हैं, सोरगम, तो वो आप उसकी 2-3 लाइन 4 लाइन लगा सकते हो बाहर बाहर, तो उसकी बाउंड्री कर दो। मान लो एक ही खेत में आपने बीज पैदा करने हैं तो एक बाउंड्री बना दी आपने बाजरा की और उसके बाद मक्की लगा दी, फिर अगले स्टेप में फिर वही कर दिया कि अगले स्टेप में दूसरी किस्म लगा दी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर इसको किसी तरीके से आप जो है वो कवर कर सकते हो, कि आप जो है जैसे जाली लगा के कि उसको शील्ड बना दिया एक साइड में, ऐसी जाली लगा दी जैसे वो ग्रीन कलर की शेड वाली होती है, तो वो तो महंगा पड़ता है। तो बेटर वही है कि हम कुछ नेचुरल तरीके जो अपनाएं, लेकिन स्टिल आपको सिर्फ पोलिनेशन से इसको रोकना है। तो मक्की की ऐसे ये किस्में हैं, जो लाल वाली किस्म है ये पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की किसानों की संस्था है इनोवेटिव फार्मर्स एसोसिएशन, तो उसके प्रधान नरेंद्र सिंह जी ने इसका बीज तैयार किया है, तो काफ़ी किसानों को बीज दिया गया है और कुछ बीज हमने अन्नदाना से भी मंगवा के दिए थे। तो वहाँ काफ़ी रंग बिरंगी अन्नदाना के पास देसी मक्की की किस्में हैं, पैदावार भी अच्छी आती है। PAU में भी कॉम्पोजिट वैराइटीज़ हैं, नॉन हाइब्रिड जो होती हैं, ये देसी के सुमेल से ही वो बनाई जाती हैं, तो वो किस्में भी किसान यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट के थ्रू बीज लेके तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ICR ने अभी, क्योंकि कुदरती खेती पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है सरकार की तरफ से भी, यूनिवर्सिटियों की तरफ से भी, PAU के साथ मिलके एक ट्रायल किया था 5 साल मक्की के ऊपर, मतलब अलग अलग फसलों के ऊपर, फसली चक्कर के ऊपर, तो उसमें जो एक प्रभात किस्म है उसका जो एवरेज यील्ड 5 साल का निकला है वो 25 क्विंटल है 1 एकड़ में ऑर्गेनिक में, और जो उसका मैक्सिमम है वो 28 क्विंटल तक वो यील्ड है। जबकि उसी किस्म का जो यील्ड है, एवरेज यील्ड है, जो PAU की किताबों में वो लिखा हुआ है, वो 18 क्विंटल के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि मक्की का ऑर्गेनिक में पैदावार जो है देसी बीज की, वो केमिकल से ज़्यादा आती है। तो ये ICR का खुद का ट्रायल है, PAU का, दोनों ICR और PAU का ये कम्बाइंड ट्रायल है, तो उसकी रिपोर्ट सभी जगह पड़ी हुई है, हम शेयर भी करते रहते हैं। तो
ये तो सिद्ध हो गया कि पैदावार कम नहीं होती है, लेकिन अगर किसान पूरे तरीके से उसको समझ के जो तरीका यूनिवर्सिटी सजेस्ट करती है, जैसे PAU की तरफ से तो जैविक खाद बनाने के लिए, जैविक तरीके से खेती करने के लिए सिफारिश की किताब भी जो पंजाबी में छाप दी गई है, इंग्लिश में और पंजाबी में दो लैंग्वेज में है, तो वो आपको साइंटिस्ट से अपने ऑफिसर से बात करके वो विधि सीखनी है और उस तरीके से खेती करनी है, ताकि देसी बीज जो है वो किसान जो विश्वास नहीं होता उसको वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे और हर साल जो उसकी मार्केट में लूट हो रही है वो उससे बच जाए। तो कितना बीज कैसे पैदा करना है वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमें मिलता है तो वो भी आपको बताएंगे। तो ये मोटा मोटा तरीका है, आपको जो है बीज तो मिल जाएगा, लेकिन बीज से बीज तैयार कैसे करना है, उसकी शुद्धता कैसे मेंटेन करनी है, उसके लिए जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है वो आप अपने डिपार्टमेंट से, खेती बाड़ी विभाग से लीजिए, KVK से लीजिए, PAU के जो आपकी यूनिवर्सिटी है किसी भी स्टेट में वहाँ के रिसर्च स्टेशन से लीजिए। तो पंजाब में तो एडवांटेज है कि जो मक्की का रिसर्च स्टेशन सेंटर है ICR का, वो भी PAU में ही है। तो हमें उम्मीद है कि और भी देसी किस्में जैसे कॉम्पोजिट है, प्रभात है, केसरी है, अभी JC4 है, JC12, बहुत सारी किस्में, अभी चार पांच किस्में हैं, तो आपको उनके बीज लेने जो PAU से आप ले सकते हो। तो ये अभी गर्मियों में नॉर्मली हम किसानों को सलाह नहीं देते हैं लगाने की, चाहे जो फरवरी मार्च में लगती है उसको सर्दी की मक्की कहा जाता है, लेकिन वो गर्मी की मक्की ही होती है। सर्दी की मक्की तो सितंबर अक्टूबर में लगती है, जो मार्च में पकती है, तो आप जो है सही समय है उसका बरसात मक्की का। तो ये सिर्फ इसीलिए आके डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आपको अभी ये दिखाया था। तो 15 जून के आसपास जो है वो सबसे बढ़िया टाइम है। BAU की सिफारिश जो पंजाब के मौसम के हिसाब से है वो है मई के आखिर से लेके जून के आखिर तक आप बिजाई कर सकते हो। और मक्की के साथ और क्या क्या आप कर सकते हो, तो जैसे आपको दिखाया ही है यहाँ खीरे की बेल, ये हमारा बीन्स हैं, अभी एक इंट्रूडर आ गया है यहाँ पे, ये देखिए ये तोरी की बेल इधर आ गई है, तो ये इसको भागने की आदत है, ये देसी तोरी की बेल है, तो वो बीच में हमने लगाई हुई है। इधर दोनों के बीच में ये अरबी, इधर भी ये लोबिया है, लोबिया में अभी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो ऐसे मिक्स क्रॉपिंग मॉडल जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।